का पेपर डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या होगा कि फुल आंसर की हम देने वाले हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे, बट बच्चों का कमेंट आया कि सर आप जो है 10 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन बाद में दे दीजिएगा, पहले आंसर की हमें दे दीजिए। तो मैंने क्या किया है कि इस वीडियो में आपको आंसर की प्रोवाइड कराने का फैसला लिया था और इस वीडियो में मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है, ऐसे ही 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। 50 क्वेश्चन ऑल ओवर आपके पेपर में थे, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर की पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, ये था आपका पेपर जो कि हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं आपके आंसर की के ऊपर। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका फोर एक्सपोनेंशियल, फाइव की पावर फोर है ना, तो ये फोर रहेगा। हाँ, सेकंड की बात कर रहे हैं हम, सेकंड की बात करेंगे तो पी एक्स थ्री टाइम कट कर रहा है, यहाँ से आपका ये टू टाइम कट कर रहा है। देखिए टू टाइम है और थ्री टाइम, ये किसी को ये देखिए ये टच कर रहा है और ये कट कर रहा है। जब भी टच या कट की पोजिशन बनती है तो वहां पर हमें एक जो है हमें जीरो मिलता है, तो ये आपका फाइव डी रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इनमें कौन सी वैल्यू जो है इस को जो है सेटिस्फाइड करेगी, तो देखो ये वाली वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाइड करेगी, यानी थ्री का ए आपका आंसर रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी रहेगा, सी जब हम इसको ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है मिलेगा डी, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है आपको पता हो तो, एरिया ऑफ ए बी का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ कौन सा आएगा आपका ए डी का स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि आप इसको कॉट को इन सेक में और टेन को सेक में चेंज कर लीजिएगा, कोसेक के फॉर्मूले को लगा लीजिएगा, तो वहां से इसका आंसर ये मिलने वाला है। तो सेवन की जब हम बात करेंगे, सेवन का आंसर जो आने वाला है वो ये होगा। देखिए सेवन में क्या है कि एक सर्किल है, सर्किल के एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो पहले आप इसके सर्कमफेरेंस यानी 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr के फॉर्मूले से आप इसका एरिया निकालेंगे, टोटली एरिया निकालेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आने वाला है वो -2 आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है बी। ठीक है, इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका सी, टेंथ का सी। देखिए 1, 2 और ये 3, तो टेंथ का सी आने वाला है। ठीक है, इलेवंथ की जब हम बात करेंगे तो इलेवंथ का भी सी है। ओके, चलिए ट्वेल्थ का देखें, ट्वेल्थ का आंसर की जब हम बात करेंगे, ट्वेल्थ का आंसर है आपका बी, ट्वेल्थ का आंसर है बी। देखें 9 बी, इसका भी बी है आपका, 13 का भी बी है। ठीक है, 14 का ए है आपका आंसर, 14 का ए है। 15 का आप आंसर की बात करेंगे तो सी है इसका आंसर, 15 का आंसर जो है वो सी है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 द प्रोबेबिलिटी दैट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पिक ऑफ 52 यानी 52 कार्ड, यानी 52 कार्डों की प्रोबेबिलिटी बताइए, नाइदर द एक भी वो कार्ड रिपीट ना हो, तो इसके लिए जो है आपका जो 16 क्वेश्चन है इसके लिए आंसर जो होगा वो होगा बी, आपका बी। ठीक है, 17 के लिए आपका जो है आंसर रहेगा सी, 17 के लिए आपका आंसर रहेगा सी, 18 के लिए आपका आंसर रहेगा ए, 18 के लिए आपका आंसर रहेगा ए, 19 के लिए आपका आंसर रहेगा बी, 19 के लिए आपका आंसर रहेगा बी, और 20 के लिए आपका आंसर रहेगा ए, 20 इसके लिए आपका आंसर रहेगा ए। देखिए इसमें क्या करना है कि सेक की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है, यानी कि 10 की वैल्यू और साइन की वैल्यू इसको कन्वर्ट कर लेना 10 और साइन में, और इसमें इसकी वैल्यू रख देनी है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 देखें, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विच इज द डिवाइडेड बाय दिस और लीव द रिमाइंडर ऑफ रेस्पेक्टिवली इज, देखिए जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ विच द डिवाइड इसको और इसको और इसको डिवाइड करने वाली जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें बता देनी है, जिससे कि डिवाइड करने पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रिमाइंडर की आ जाए। ठीक है, तो देखें इसका जो है 21 का आपका आंसर जो रहेगा वो डी, 21 का आंसर जो रहेगा वो डी, 22 का आंसर जो रहेगा डी, 22 का आंसर जो रहेगा वो डी, 23 का आंसर जो रहेगा वो बी, 23 का आंसर जो रहेगा वो बी, 24 का आंसर जो रहेगा वो बी। ठीक है,
और 25 का जो आंसर रहेगा वो सी, ओके। 26 का जो आंसर रहने वाला है वो आपका 26, देखिए इफ एक्स माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू इसमें लगा लीजिएगा और ए बी की एक इक्वेशन बनेगी। देखो इस तरीके से इसे किया जा सकता है, x माइनस वन इज टू जीरो, एक्स इज टू वन, तो मैं x इज टू जब वन इसमें रखूंगा तो x इज टू जब मैं वन इसमें रखूंगा तो जीरो इज टू, तो ये आपका मिलेगा x यानी कि वन प्लस ए प्लस टू बी यानी कि टू बी, ये वैल्यू वैल्यू मिल जाएगी भाई, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ से इस वैल्यू को माइनस वन इज टू ए प्लस टू बी, क्या इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आपका जो आंसर आने वाला है वो रहेगा बी, क्या रहेगा बी, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन का को प्राइम फैक्टर होते हैं भाई, क्या होते हैं, कांगिया मार्कर भाई, को प्राइम फैक्टर, ठीक है, को प्राइम फैक्टर होते हैं। 28 का जो हम देखेंगे, 28 का 128 आएगा, इसका डिवाइड देंगे, देखिए 2 टाइम गया 0, ठीक है। इसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, द एरिया ऑफ स्क्वायर कैन बी द इंक्रीज ऑफ द सर्किल, देखिए सर्किल और जो है उसका एरिया, मतलब जो है आपका स्क्वायर का एरिया को इंक्रीज कर दिया सर्किल में और सर्किल का एरिया जो दे दिया हमें ये, तो आप पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या हो, वो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो आंसर आएगा वो 28 का सी, ठीक है। 29 की हम बात कर ले, 29 में जो है वो आपका रहेगा सी, 29 में आपका सी, 30 में आपका जो रहेगा बी, 31 में आपका जो रहेगा वो डी, 31 में आपका रहेगा डी, 32 में भी आपका डी, ओके। 33 में आपका बी, 33 में आपका बी, 34 में आपका डी, 35 में आपका डी, 35 में आपका डी, 36 में आपका सी, देखिए 36 में आपका सी, 37 में आपका डी, 37 में आपका डी, 38 में आपका ए, 38 में आपका ए, 39 में आपका बी, 39 में आपका बी, और 40 में आपका सी, 40 में आपका सी, 40 में आपका सी, 41 में आप देख सकते हैं, 41 में आपका जो आंसर है वो रहेगा डी, 41 में जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, 42 में जो आपका आंसर है वो सी रहेगा, 42 में आपका आंसर सी रहेगा, 43 में आपका आंसर बी रहेगा, 44 में आपका आंसर डी रहेगा, 45 में आपका आंसर सी रहेगा, 45 में आपका आंसर सी रहेगा, और 46 में आपका आंसर, 46 में आपका आंसर बी रहेगा, ठीक है। 47 में आपका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, 47 में आपका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, 48 में आपका आंसर डी रहेगा, 49 में आपका आंसर बी रहेगा, और 50 की बात करेंगे तो 50 में आपका आंसर सी रहेगा। तो ये थी आपकी आंसर की, ठीक है।